So now your same question is, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. कि एक हमने batch of bottles बनाया है जिसमें 25 boxes ready किए हैं. Each box has 12 bottles. Clear? एक box में कितनी bottles हैं? 12 bottles हैं and 25 boxes are ready. So if the same batch, अगर यही हमारे पास batch है कि यही fixed bottles हैं सारी. These were packed using 20 bottles in each box. अब हम एक box में 20 bottles डालते हैं. So how many boxes would be filled? अब बताओ कि कितने boxes filled होंगे. पहले एक box में हमने कितनी bottles डाली थी? 12. So 20 boxes were ready, 25 boxes will ready. So if bottles were increased in each bag, अगर एक bag में हम अब 20 bottles डाल रहे हैं, तो हमारे boxes भी ज्यादा होंगे. हाँ, अगर बोटल्स ज्यादा डाली तो बॉक्सेस भी ज्यादा रेडी होंगे. आपके पास बोटल्स फिक्स पड़ी हैं, ठीक है? बोटल्स फिक्स है. अगर आप एक बॉक्स में 12 बोटल्स डालते हो तो आपके पास 25 बॉक्सेस रेडी होते हैं. अगर अब आपने बॉक्स में कितनी बोटल्स डाल रहे हैं? 20 बोटल्स डाल रहे हैं, तो आपके पास बॉक्सेस भी क्या होंगे? कम रेडी होंगे. नंबर ऑफ बॉटल इंक्रीज, सो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. So inversely proportion, x1 y1 is equal to x2 into y2. x1 कितना है? 25. y1 कितना है? 12. x2 is x, y2 is 20. So 20, x value निकालें, 20 इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा? Divide. Is equal to x. 5 के टेबल में कट करते हैं. 5 5 25, 5 4 4 20, 4 4 4 3 12. So 5 3 15. So if 20 bottles were filled packed in one box, so how many boxes will ready? 15 boxes. Clear? If 15 boxes हमारे ready होंगे, अगर हम एक box में 15 bottles और 20 bottles डालते हैं. Clear? Yes. So 8th question is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. कि एक फैक्ट्री है, उसमें 42 machines चाहिए हमें to produce a given number of articles. कि आपके पास fixed articles दिए हुए हैं कि ये चीजें बनानी है, ठीक है, manufactures करना है. तो अगर आप 42 machines use करते हो, you have to finish work in 63 days. Clear? But you have to finish your work in 54 days. So how many machines would be required? कि आपको अब काम जो है वो जल्दी किसी को देना है, कम days में खत्म करना है, तो अब machines क्या करेंगे? ज्यादा लगाएंगे. As the machines, number of machines increases, number of days decrease. मशीन ज्यादा लगाएंगे, नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. क्लियर? सो वी हैव मशीन्स, 42 मशीन्स जो है कितने डेज में खत्म करती हैं? 63 डेज में काम खत्म करती हैं. सो यू हैव टू फिनिश वर्क इन 54 डेज. सो लेट एक्स मशीन्स बी एक्स. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो क्या हुआ? x1 into y1 is equal to x2 into y2. x1 कितना है? 42. y1 कितना है? 63. x2 is x and y2 is 54. अब 54 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा? Divide का हो जाएगा. So it's equal to x. अब इसको cutting कर दो उस टेबल पे. So 9 7 are 63, 9 6 are 54, 6 1 are 6, 6 7 are 42. Clear? पहले 9 के टेबल में क्लिक किया, 9 7 are 63, 9 6 are 54, 6 1 are 6, 6 7 are 42, 7 7 are 49. So how many machines would be required? 49 machines. So 49 machines are required to finish work in 54 days. Clear?